नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस मूवी की कहानी में कुछ फीमेल एलियंस पृथ्वी पर आ जाती है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती है और वो यहाँ के लोगों के साथ टपाटप करती हैं। ये जिस भी इंसान के साथ संभोग करती है वो इंसान मर जाता है। मूवी के शुरू में हमें कॉलेज में दो स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जिनका नाम ल्यूक और रॉजर होता है। दोनों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे और यहाँ दोनों अपनी वर्जिनिटी तोड़ने की बातें कर रहे थे, यानी अभी तक उन्होंने किसी भी लड़की के साथ कुछ टपाटप नहीं किया था। आगे हम ल्यूक को अकेले लॉन्ड्री में कपड़े धोते हुए देखते हैं। वहाँ लिली और सारा नाम की दो लड़कियाँ आती हैं, जो ल्यूक से बातें करने लगती हैं और बातों बातों में ल्यूक को सेड्यूस करने लगती हैं। लिली ल्यूक को अपना रूम नंबर बताती है और अपना कुछ सामान वहीं छोड़कर चली जाती है। अब ल्यूक पागल होकर वो सामान लेकर लिली के रूम तक पहुंच जाता है। रूम लॉक नहीं होता तो वो डोर खोलकर अंदर चला जाता है। रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा था और वहाँ कोई नहीं होता तो ल्यूक सामान रखकर लिली के कपड़ों को फील करने लगता है। तभी उसे लिली के आने की आवाज़ आती है और वो वहीं अलमारी में छुप जाता है। रूम में सारा और लिली आती है और रूम की विंडो को भी ओपन कर देती है ताकि रूम और ठंडा हो जाए। इसके बाद लिली और सारा एक दूसरे के कपड़े उतारने लगती है और ल्यूक ये सब अलमारी में छुप कर देख रहा था। आगे लिली के पेट से बहुत सारे टेंटेकल्स निकलने लगते हैं और सारा इन टेंटेकल्स पर एक स्प्रे छिड़क देती है और इससे लिली को बहुत अच्छा फील होता है। ल्यूक ये सब अलमारी से देख लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या था। अब लिली और सारा रूम में चली जाती है और ल्यूक अलमारी से बाहर आ जाता है और उस स्प्रे को जाकर देखता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो बर्फ की तरह ठंडा होता है और इंसान की बॉडी को जमा सकता है, लेकिन लिली को तो कुछ भी नहीं हुआ। ल्यूक सोचता है कि लिली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ल्यूक सीधा रॉजर के पास जाता है और उसे लिली के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन रॉजर उसकी बात नहीं मानता। आगे ल्यूक एक कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड एलेक्स और गिब्बी से मिलता है, जहां वो फिर से सबको लिली के टेंटेकल्स के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करते हैं और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद ये सब कॉलेज पार्टी में जाते हैं, जहां लिली और सारा भी होती हैं। यहां रॉजर और सारा की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी लिली ल्यूक के पास आती है और उसे डांस के लिए इनवाइट करती है और ल्यूक लिली के साथ डांस करने लगता है। ल्यूक और लिली यहां बातें करते हैं और फिर से लिली ल्यूक को सेड्यूस करने लगती है। आगे एक लेडी अनाउंसमेंट करती है कि हमारी फुटबॉल टीम के कैप्टन बॉबी हमारे साथ हैं, जो इस कॉलेज की नई आइस क्वीन का अनाउंसमेंट करेंगे। बॉबी स्टेज पर आकर लिली को नई आइस क्वीन बनने का अनाउंसमेंट करता है। लिली खुशी से उछलने लगती है और स्टेज पर जाकर बॉबी को किस करती है। इसके बाद दोनों डांस करते हैं। ल्यूक को ये सब देखकर जेलस फील होता है और ल्यूक बॉबी को मारने लगता है, लेकिन बॉबी उल्टा ल्यूक को पकड़कर धो देता है। बॉबी से मार खाकर ल्यूक क्लब से बाहर आ जाता है और एलेक्स भी उसके पीछे आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी बॉबी और लिली एक साथ क्लब से बाहर निकलते हैं और लिली बॉबी को क्लब से दूर जंगलों में ले जाकर टपाटप करने लगती है। तभी लिली की बॉडी से फिर से टेंटेकल्स निकलते हैं और उसी में से एक टेंटेकल्स बॉबी के मुंह के अंदर घुस जाता है और वो वहीं बर्फ में जमकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉजर बाथरूम में है। उसके पास सारा आती है और किस करने लगती है। सारा रॉजर के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन रॉजर यहाँ सारा को रोक देता है और प्यार से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं अभी वर्जिन हूँ और मैं फर्स्ट टाइम बाथरूम में नहीं करना चाहता। सारा रॉजर से कहती है कि वो तो वन नाइट स्टैंड करना चाहती है, उसे शादी वादी नहीं करनी, और वो रॉजर को लूजर कहकर चली जाती है। अगली सुबह हम ल्यूक और रॉजर को अपने रूम में देखते हैं और उनके पास पुलिस ऑफिसर एमिंडा आती है, जो ल्यूक के बचपन की भी दोस्त होती है। वो ल्यूक को बताती है कि कल रात बॉबी की मौत हो गई है और उसकी बॉडी हमें जंगल में मिली है। एमिंडा ल्यूक को अब पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ पर ऑफिसर को कल रात हुई बॉबी और ल्यूक की लड़ाई का पता होता है और वो ल्यूक पर ही शक करता है। आगे बॉबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि बॉबी की मौत ढेर सारा ठंडा लिक्विड पीने के कारण हुई है और ल्यूक ने उसे नहीं मारा है, तो पुलिस ल्यूक को छोड़ देती है। ल्यूक यहाँ लिली के टेंटेकल्स के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद ल्यूक एलेक्स के पास जाता है और उसे बहुत कन्विंस करता है कि लिली इंसान नहीं है। ल्यूक एलेक्स को उसकी मदद करने को कहता है और ल्यूक लिली के रूम और बाथरूम में हिडन कैमरा लगा देता है। यहाँ हम दूसरी तरफ गिब्बी और उसकी गर्लफ्रेंड नताशा को देखते हैं
और दोनों रात में घूमते घूमते एक जगह में जाकर टपाटप करने लगते हैं। तभी नताशा के पेट से भी वही टिंटेकल्स निकलते हैं जैसे लिली के निकलते हैं। नताशा का एक टिंटेकल्स निकलकर गिब्बी के मुंह में चला जाता है। गिब्बी भी तुरंत बर्फ में जमकर वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ ल्यूक लिली की टिंटेकल्स वाली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए लिली के पास जाता है, उसे इम्प्रेस करके अपने घर ले आता है जहाँ पर उसने हिडन कैमरे लगा रखे थे। ल्यूक यहाँ पर लिली के साथ टपाटप करने लगता है। दूसरे रूम में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर पर हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी, लेकिन लिली की नज़र कैमरे पर पड़ जाती है और वह अपने पावर से कैमरे को बंद कर देती है और जान जाती है कि ल्यूक उसके बारे में जान चुका है। और ल्यूक को मारने के लिए लिली अपने पेट से टिंटेकल्स को निकालती है और उन टिंटेकल्स में से एक टिंटेकल्स मोमबत्ती से टकरा जाता है और बेड पर आग लग जाती है। लिली आग को देखकर डर जाती है और वो पूरी तरह से एक जीव में कन्वर्ट हो जाती है और रूम से भाग जाती है। यहाँ ल्यूक समझ जाता है कि लिली आग से बहुत डरती है और वो सिर्फ ठंडी जगह पर ही रह सकती है। फिर जब ल्यूक उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखता है तो वो पूरी तरीके से खराब होती है और उसमें लिली के एलियन होने का कोई सबूत नहीं होता है। दूसरी तरफ हम रोजर को देखते हैं जो रूम में फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने के लिए सारा के साथ होता है। रोजर बातों बातों में सारा से कहता है कि उसका दोस्त ल्यूक तुम्हें और लिली को एलियन समझता है और लिली से टिंटेकल्स बाहर निकलते हैं। सारा यहाँ पर निराश हो जाती है और कहती है कि हाँ ये सच है, हम एलियंस हैं और अर्थ पर 2 साल पहले आए थे। हमारे प्लेनेट पर एक बीमारी की वजह से सभी मेल एलियन मर गए हैं और हमारे प्लेनेट पर मेल ही प्रेग्नेंट होते थे और बच्चों को जन्म देते हैं। और रोजर से कहती है कि हम बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ आए हैं। हम आदमियों को प्रेग्नेंट करने के लिए टिंटेकल्स को उनके गले में डाल देते हैं और हमारा स्पर्म उनके अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान इस प्रोसेस को नहीं झेल पा रहे हैं, वह तुरंत जमकर मर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब एलियंस है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए धरती पर आए हैं। सारा रोजर से कहती है कि तुम सबसे अलग हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें नहीं मार सकती। उसकी बात सुनने के बाद रोजर सारा से कहता है कि तुमने कभी इंसानों वाला तरीका ट्राई किया है, हो सकता है कि तुम हमारे वाले तरीके से प्रेग्नेंट हो जाओ। इसके बाद वो दोनों टपाटप करते हैं और रोजर को कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है, उसके हाथ में फायर स्प्रे होता है, फिर रोजर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से एक मकड़ी निकलती है। ल्यूक सब समझ जाता है कि दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। ल्यूक गुस्से में सारा के ऊपर गर्म पानी डाल देता है और सारा अपने एलियन रूप में आ जाती है और सारा वहाँ से भाग जाती है। रोजर अभी भी जिंदा था तो ल्यूक एम्बुलेंस से रोजर को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में रोजर मर जाता है। अब ल्यूक बहुत परेशान होता है और यहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आती है। ल्यूक एमिंडा को कन्विंस कर लेता है कि कॉलेज में सबकी मौत के पीछे लिली और सारा का ही हाथ है और एमिंडा को उसका साथ देने के लिए कहता है। इस बार ल्यूक पूरी तैयारी करता है, वो फायर गन और गर्म पानी लेकर लिली सारा और नताशा के पास जाता है। वहाँ जाकर गर्म पानी नताशा पर फेंकता है और नताशा अपने एलियन रूप में आ जाती है और ल्यूक नताशा को एलियन रूप में ही जलाकर मार देता है। इसके बाद लिली ल्यूक से माफी मांगती है, फिर ल्यूक फायर गन से आग लगाता है और लिली भी एलियन में कन्वर्ट हो जाती है और एमिंडा लिली को गन से शूट करके मार देती है। फिर सारा यहाँ से भागने लगती है और एमिंडा और ल्यूक उसका पीछा करते हैं। इसी बीच ल्यूक की फायर गन की गेस्क कम हो जाती है और सारा ये जान जाती है और ल्यूक पर हमला करने लगती है, लेकिन एमिंडा वहाँ आ जाती है तो सारा फिर से वहाँ से भाग जाती है। सारा बेसमेंट में होती है तो ल्यूक गर्म पानी वाला पाइप तोड़ देता है और इससे सारा भी मर जाती है। आगे हम ल्यूक को उसकी फ्रेंड एलेक्स के साथ देखते हैं और ल्यूक एलेक्स से आई लव यू कहता है। फिर एलेक्स और ल्यूक एक रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। तभी एलेक्स के पेट से वैसे ही टिंटेकल्स निकलते हैं जैसे लिली और सारा से निकलते थे, मतलब एलेक्स भी एलियन है। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।